यहाँ से कर्म कर दिया यहाँ से यहाँ आके साला घूम गया अरे मुझे सलाह दी है अरे नहीं वहाँ रोक दिया तो एसडीएम के लाइए ना लाइए अपने भी यहाँ देखिए साथ में था देवेंद्र नाथ बेहोश पुलिस कर्मियों के समर्थन में आए थे तो भी इनको एम्बुलेंस आया था लेकिन एम्बुलेंस को फिर से वापस कर दिया गया अभी इसको टांग के लगभग लगभग साथीगण ले जा रहे हैं आइए यहाँ कुछ लोग हैं इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं एम्बुलेंस भी अभी फिर से आई है देखिए किस तरह हाँ हाँ रुक जाइए पैक करेगा गाड़ी पैक करेगा रुक जाइए आइए आइए ठीक है देखते हैं ना आइए आइए आगे करके बेटा मैं पोस्टर के काट काट के फेंक देबे कचेरी लगे पोस्टर तो अंदर से खुलेगा क्या अंदर देखिए चलो जी उठो दो स्टाफ को स्टाफ से मैं कैसे होगा आता है एक्स्ट्रा में उठा लीजिए उठाइए पूरा फिर उधर कीजिएगा ना सर उधर जाइए हम भी जाए तुम सर नहीं बोले भग दिले आप रह जाइए आप रह जाइए हाँ ठीक है आप इधर लगा हुआ है इधर भी लगा हुआ आगे भी लगा हुआ बंद कीजिए सर इनको देख लीजिए बता नहीं पा रहा है उसका नहीं पा रहा है उसको दिक्कत हो रहा है दादा आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए अपने सर खुला हुआ था उधर रहने दीजिए अरे ऐसे चला रहे इधर नहीं घूमेगा गेट लॉक कर दीजिए थोड़ा एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है दादा अरे रिम्स 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 खुला है गेट खुला है रविंदर दा कहाँ रिम्स रिम्स जहाँ था चुपुर मुर्गी बैठ जाइए बैठ जाइए ना उन लोग को काम करने दीजिए रवैया है अरे भैया उसको खाली बिहारी को खींच के लाते हैं आपको बर्बाद मारते ना अभी वो इधर इधर चाहता था हाँ तो आप इन लोग को बोल रहे थे साला देखने से लग रहा बिहारी बिहारी है हम लोग को इतना किया दो बार लाइव चलो वो लोग जान के इन लोग को टारगेट किया ना रिम्स आइए वहाँ पे खुला है देखिए आइए जैसा भी आप देख पा रहे हैं हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को नाम लेते हैं दोनों का बोल दीजिए दोनों का संतोष महतो पहुँचने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को टारगेट करके जो है सो इनको लाठी चार्ज किया गया है और हमारे संतोष महतो
जी को भी लाठीचार्ज पीट में कर दिया गया, बहुत ही बेरहमी से इनको मारा गया है। अगर यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह के इन लोग साथ अप्रिय घटना घटती है, इसके लिए हमारे झारखंड सरकार और यहाँ की जो जिला प्रशासन है इसके लिए वो जिम्मेवार होगी। धन्यवाद। आप देखें क्या डाल दीजिए के आसपास स्थिति में हमारे जितने भी जब विशेष के साथ रांची के आसपास है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं जितना जल्दी हो सके रेल पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे पुलिसकर्मी के लाठी से अभी गंभीर अवस्था में उसको रांची रेल से ले जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग रेल पहुंचने का प्रयास करेंगे। ऐसा ले लेता ना अभी कुछ मार दिया दो तीन वो सबको लूट के लेकर जाते हैं वहाँ पे वही वाला काम आता सब लूट लिया था वहाँ पर अभी मैगजीन दो बार चार्ज किया दादा के बंसा के घुटना में दो बार मिला एकदम घुटने में एकदम पूरा जाम उल्टा वहीं के लगा कोहा हो सब संगे आई संगे आई चलान तरह जल्दी पहुंचे लाइनअप कीजिए बहुत चोट रहा है तो तुम खा रहा हूँ बुझे देखो मुझे चोट लगे के पुलिस वाला भी बहुत पिटाया यहाँ पे नहीं बैठा रहा था ना दादा पुलिस और उधर सब अगर छपर जाता है लाठी नहीं चलता अगर सब एक बार भिड़ जाता तो लोग लाठी चलता ही नहीं चलता सब एक बार सब पीछे था ना सब वही था अब हम लोग सब चार पाँच जन एक साथ भैया के साथ में बैठे हुए खाली हम लोग ठीक है अब लाठी चार्ज करने लगा उधर एक दो जन थे भाई आप लोग के साथ ही सब उसके बाद उन लोग तो बाइक हो गए हम लोग बैठे बैठे रहेंगे इधर बहुत मार सबसे पहले खाई बेचारी दीदी मेन बात निहत्थे में है लाठी नहीं लाठी नहीं नहीं अगर एक साथ में भिड़ जाता तो लाठियां चला ही नहीं पता जेंट्स पुलिस मारा है तो जेंट्स पुलिस लाठी चार्ज किया लेडीज के ऊपर हेलो 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 कहाँ रिम पहुँचल रिम दादा सुन गया बहुत खराब है एकदम टारगेट कर के मान लिया छोड़ देंगे बेटा बॉयस बॉयस के एकदम भूसी है बहुत गंभीर मुँह तीन फिंगर चलते हैं।
আর একে টার্গেট করলে অতিরিক্ত তবে না আন্দোলনটা কমবে না কি না কলে বহুত গতি পুলিশ তো কিনা করবে जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ माधव जी को झारखंड पुलिस टारगेट करके इंतजारी जा रही है और उन्हें पूरी तरह से अच्छा ठीक है आह्वान कर दिया गया है और हमारे छात्र नेता जेबीकेएसएस के संतोष महतो जी को भी मार करके डबल आह्वान कर दिया और हमारे जितने भी सहायक पुलिसकर्मी थे उन्हें भी जो है सो काफी संख्या से लगभग 20 से 25 पुलिसकर्मियों को जो है सो काफी बेरहमी से पीटा गया है। अभी उन सारे लोगों को लेकर के रिम्स ले जाया जा रहा है। अभी मैं सुधीर कुमार राम कोटमा जेबीकेएसएस एम्बुलेंस से ही मैं यह बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक संख्या में जितने भी साथी हमारे हमारी बातों तक पहुँच रही है तो सभी रिम्स पहुँचने का टच करें। धन्यवाद। बिहारी तो बहुत रह रही है क्या सभी हमें पता बिहारी को यदि आप आते ना तो बहुत गुस्सा लगा उनको हम बिहार में ऐसे ग्रास से खाए।